Hello children, welcome back. Today we are going to study subject English grammar, chapter number 10, prepositions part 2. In this video, we are going to study about some kinds of prepositions and then difference between prepositions and adverbs. So let us start. The first kind is about simple prepositions. What is this? It is a one word preposition. Say that it is only a one word preposition. Example, at, for, in, of, on, over, under. Matlab jo single word hai, which used as to show the position of something. Kali humne video mein padha tha pehle. Prepositions kya hote hain? They show position of something. So word jo position batayenge kisi cheez ki, and they are in single. जैसे कि अंडर, ओवर, ऑन, ऑफ, वो सिंगल है, ठीक है, इसलिए दे आर कॉल्ड एज सिंपल प्रीपोजिशंस. सी फॉर एग्जांपल, द काउ इज इन द फील्ड. अब काउ जो है नाउन, वो कहा है, इट इज इन द फील्ड. सो द वर्ड इन यहाँ पर पोजिशन बता रहा है किसकी, नाउन की. नाउन कौन है यहाँ पर, द काउ, ठीक है, एंड इट इज अ सिंपल प्रीपोजिशन. Now point number 2, that is about compound prepositions. It includes one word preposition. One word matlab single preposition to hai, which is formed by prefixing. Lekin uske andar hum kuch prefix karte hain, matlab we add some word or some letter, kuch letter hum ne add karte hain. Prefixing a noun, an adjective or an adverb. Theek hai, to noun ho, adjective ho or adverb ho, वहां पर हम ऐड करते हैं ए बी ई एक्सेट्रा. सी हियर द वर्ड इनसाइड कैसे बनता है, वी ऐड इन एंड साइड इन द सेम वे. फॉर एग्जांपल वी ऐड बी ई, जैसे हमने यहां पर ऐड किया बी ई और हाइंड, तो बन गया बिहाइंड. देन ओवर हियर क्रॉस के साथ हमने ऐड किया ए और बन गया अक्रॉस. उसी तरह विद आउट बन जाता है विदाउट. मतलब वन वर्ड प्रीपोजिशन तो है, विच इज फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब बाय एडिंग ए बी वगैरह, ठीक है ना. ए ऐड करते हैं, जैसे यहां पर हमने ऐड किया, बी ऐड करते, उसी तरह इन वगैरह. ओके, इन दिस वे हम क्या करते हैं, वहां पर कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, प्रीफिक्स करते हैं और वो बन जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है. इसी का एग्जाम्पल, द बेबी इज प्लेइंग इनसाइड द रूम. बेबी कहाँ खेल रही है, इनसाइड द रूम. सो इनसाइड वर्ड जो है वो आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन जो बना है दो वर्ड से मिलकर, वो दो वर्ड है इन साइड. नेक्स्ट, द थर्ड काइंड ऑफ प्रीपोजिशन इज फ्रेसर प्रीपोजिशन. नाम से ही पता चलता है, फ्रेसर मतलब फ्रेस. फ्रेस क्या होता है, वो सेंटेंस के रिलेटेड आता है, ठीक है. फ्रेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो छोटे होते हैं, दे आर स्मॉल इन नंबर, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है. दे डू नॉट कन्वे द कंप्लीट सेंस, जैसे सेंटेंस होता है वैसे सेंटेंस की तरह वो कंप्लीट मीनिंग डिस्क्राइब नहीं करते, वो इनकम्प्लीट होते हैं, वो फ्रेज होते हैं जो बनते हैं दो या तीन वर्ड्स को मिला के. इन द सेम वे फ्रेजर प्रीपोजिशन में भी कुछ ऐसा है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यूज्ड एज सिमिलर प्रीपोजिशन. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, जैसे कि इन फ्रंट ऑफ तीन वर्ड है यहाँ पर, वो फ्रेज है. देन अकॉर्डिंग टू दो वर्ड मिला के बना है. देन ऑन बिहाफ ऑफ थ्री वर्ड्स मिला के फ्रेज बना है. देन इंस्टीड ऑफ दो वर्ड्स मिला के फ्रेज बना है. लेकिन ये पूरी तरह प्रीपोजिशन का काम करता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ विक्ट्री. विक्ट्री तो है लेकिन कहाँ है, इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल. सो इन फ्रंट ऑफ डायरेक्शन बता रहा है या तो फिर प्लेस बता रहा है विक्ट्री के बारे में, कि विक्ट्री कहाँ है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, इन फ्रंट ऑफ मतलब हमारे स्कूल के सामने. सो इट शोज अस डायरेक्शन या तो फिर इट शोज अस प्लेस. ओके, सो ये सब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला के बनता है आपका फ्रेसल प्रीपोजिशंस. एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब, उनमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है. कुछ वर्ड ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन का भी काम करते हैं और साथ में एडवर्ब का भी काम करते हैं. सो
दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज देयर प्लेस, या हम उन्हें सेंटेंस में कहां रखते हैं उसके बेस पे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। अ प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। बोला गया है कि प्रीपोजिशन तब कहलाएगा जब वो नाउन के साथ लिखा जाएगा, फॉलोड बाय अ नाउन। Whereas, अगर हम बात करें एडवर्ब की, is never followed by a noun, वो नाउन के साथ लिखा जाता नहीं है। I repeat, preposition followed by the noun, मतलब preposition कब कहलाएगा? जब वो नाउन के करीब करीब आएगा, ठीक है? Whereas, वो एडवर्ब कब कहलाएगा? जब वो नाउन से दूर रहेगा। See, the soldiers swam across the river to save the villagers। अब यहाँ पर across जो है आपका preposition है, ठीक है, और नाउन है यहाँ पर सोल्जर्स। सो जब वर्ड नाउन के करीब रहता है तब जाके वो प्रीपोजिशन का काम करता है, जैसे कि ये प्रीपोजिशन। अब देखेंगे एडवर्ब कब कहलाएगा वो। देयर वॉज नो बोट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सो वी हैड टू स्विम अक्रॉस। अब यहाँ पर डायरेक्शन बताने वाला वर्ड जो है जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन, वो कहाँ पर आया है? वो सबसे आखिरी में आया है, मतलब वो नाउन से काफी दूर है, ठीक है? इसीलिए हम उसे एडवर्ब कंसीडर करते हैं। जैसे मीनिंग में कहा था एडवर्ब तब कहलाएगा व्हिच इज नेवर फॉलोड बाय अ नाउन, जो नाउन के साथ होता नहीं है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब। तो सेम सिंगल वर्ड है लेकिन वो अलग-अलग काम करता है बेस्ड ऑन कि आप उसको सेंटेंस में कहां रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, today in this video we have studied about kinds of prepositions, that is simple preposition we have seen example also, then compound prepositions we have seen here example also, words concept hai, then phrasal preposition mein kya kya words aate hain, ye basic word hai, in front of, on behalf of, aapne suna hoga kafi baar, to aaj aapko pata chala hoga ki ye kya hai, they are phrasal prepositions, and finally difference between prepositions and adverbs. So students, that's all for today. I hope you understood this. Thank you.